अस्सलाम वालेकुम सबको, हेलो टू एवरीबॉडी। और सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं और देखेंगे, आप सब खैर व आफियत से होंगे। यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, योर लव्ड वंस एंड यू नो यू गाइज आर सेफ एट होम। बट हानिया अमीर और आसिम अजहर की ब्रेकअप के बाद हुई सोशल मीडिया पर बड़ी लड़ाई। हर कोई हानिया और आसिम की लड़ाई के मजे लेता रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हानिया अमीर और आसिम अजहर जो कि काफी लंबे अरसे तक रिलेशनशिप में थे, मगर फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली हानिया आमिर की सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो रही है, जिसमें वो डायरेक्टर वजाहत रऊफ के बेटे आशिर वजाहत के साथ नजर आ रही हैं। हानिया आमिर की वो वीडियो लोगों को काफी गैर इखलाकी लगी है, जिसके बायस उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। हानिया आमिर की डायरेक्टर वजाहत रऊफ के साथ काफी दोस्ती है और वो कहती है कि वजाहत रऊफ के बेटे आशिर वजाहत उनके मुँह बोले भाई हैं। हानिया आमिर ने अपनी वो वीडियो खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, मगर फिर बाद में उन्हें उस वीडियो पर इतना हेट मिला कि हानिया आमिर ने वो वीडियो डिलीट कर दी। हानिया आमिर को उस वीडियो पर इतना हेट मिला कि हानिया आमिर काफी डिप्रेस हो गई और रोते हुए लोगों के सामने आ गई। हानिया आमिर ने कहा कि आशिर वजाहत मेरे भाई हैं, मैं उन्हें भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें चिल करने की कोशिश कर रही थी। हानिया आमिर लिखते हुए कहती हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ और लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर करती हूँ जिन्हें देख कर वो मुस्कुराते हैं। हानिया आमिर के उस वीडियो पर लोगों ने तो हानिया आमिर को ट्रोल किया ही किया, मगर उनके एक्स बॉयफ्रेंड आसिम अजहर ने भी हानिया आमिर को ट्रोल किया। आसिम अजहर ने हानिया आमिर की उस वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, अल्लाह का शुक्र है मैं बाल बाल बच गया। दरअसल हानिया आमिर और आसिम अजहर के ब्रेकअप के बाद आसिम अजहर ने एक अपना सॉन्ग रिलीज किया था, जिसका नाम था याद। हानिया आमिर ने आसिम अजहर के उस सॉन्ग पर कमेंट करते हुए कहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब आसिम अजहर ने हानिया आमिर से अपना बदला लिया है और उन्होंने कहा है, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। आसिम अजहर के उस कमेंट के बाद हानिया आमिर भी कहां चुप रहने वाली थी। हानिया आमिर ने लिखा, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां मर्द अगर औरत को बुरा कहे तो उस पर तालियां बजाई जाती हैं, और अगर औरत वही काम करे तो उसे जलील किया जाता है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे ऊपर ट्वीट करे और मेरे बारे में हेट फैलाए। क्या अगर एक मर्द अपने प्यार का इजहार करे तो वो सही, और अगर एक औरत अपने प्यार का इजहार करे तो वो गलत। हानिया आमिर यही चुप नहीं रही, बल्कि हानिया आमिर ने एक और नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, अगर कोई आदमी मेरे बारे में बुरा भला कहेगा और लोग उसे शेयर करेंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस पर बोलूंगी। उसे क्या लगा कि वो इस तरह की डिस्कस्टिंग हरकतें करके मुझे नीचा दिखाएगा और मैं इसे फनी वे में जाने दूंगी। औरत को नीचा दिखाना बंद करो, मर्द बनो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। हानिया आमिर ने पहले ये दो ट्वीट्स किया आसिम अजहर को लेकर, फिर फाइनली उन्होंने एक तीसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली आसिम अजहर को निशाना बनाते हुए लिखा, यू कैन आइदर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। सोशल मीडिया पर हानिया आमिर और आसिम अजहर के फैंस के बीच एक वार छिड़ गया। कुछ लोगों ने हानिया आमिर को सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने आसिम अजहर को सपोर्ट किया। आपको क्या है कहने इस बारे में, हमें अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि हानिया आमिर ने क्या गलत किया वो वीडियो शेयर करके, और क्या आसिम अजहर ने हानिया आमिर की वीडियो पर ट्वीट करते हुए सही लिखा? कमेंट्स में अपने कीमती ख्याल जरूर पेश कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।